तो अपने गाने को लेकर विवादित फिल्म पठान रिलीज हो चुकी है। रायगढ़ में फिल्म को देखने के बाद युवाओं ने यह कहा कि विरोध जैसा इस फिल्म में कुछ नहीं है। युवाओं ने फिल्म के कलाकारों की एक्टिंग की भी तारीफ की है। आपको बता दें कि रायगढ़ शहर में फिल्म 11 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किंग खान की फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रायगढ़ जिले की बात करें तो लगभग 11 स्क्रीन्स पर यह फिल्म रिलीज हुई है और आमतौर पर जो फिल्म है वो शुक्रवार को रिलीज होती है, लेकिन बुधवार को यह फिल्म रिलीज हुई है और उसके बावजूद इस फिल्म को लगातार रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि रिलीज होने के पहले ये फिल्म जो है काफी सुर्खियों में थी, गाने को लेकर विवाद था, शिवसेना भी विरोध कर रही थी, बीजेपी विरोध कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज पहले दिन लोगों की भीड़, आप देखिए कि युवा वर्ग है यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो किंग खान के समर्थक है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं फिल्म देखने के लिए। कुछ लोग फिल्म देखकर बाहर निकल गए हैं तो कुछ लोग अंदर जाने वाले हैं। ये बताओ, बहुत सुर्खियां थी, बहुत विरोध चल रहा था गाने को लेकर, आपको पता है ना? पता है, बाकी देख लेते हैं क्या है मूवी का, देखे नहीं तो अभी कैसे पता चलेगा। मगर अच्छा लगता है उसका, किंग खान का फेवरेट हीरो मेरा, इसलिए। आप देख लिए मूवी, क्या लगता है? बढ़िया है मूवी देखने के लिए, एक्शन है मूवी में, ज्यादा कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, और क्या बोलते हैं उसके पर्सनालिटी के हिसाब से शाहरुख खान में ये लुक अच्छा भी लग रहा है। कुछ और लोग हैं आपसे बात, ये बताओ कैसी है मूवी? मूवी बहुत अच्छी है सर, ठीक है। और मेरे हिसाब से बोलना चाहिए कि एक बार कम से कम आके देखना जरूर चाहिए, ठीक। और बाकी जो पर्सनालिटी है शाहरुख की, दीपिका जो फाइट है, एक्शन सीन बहुत ज्यादा है, बहुत यूनिक तरीके से मूवी बना गया है। फिल्म को लेकर उत्साह काफी अधिक है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं किंग खान की मूवी को देखने के लिए। जिन लोगों ने देखा है वो पसंद भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई आपत्तिजनक नहीं है जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मूवी को लेकर आज पहले दिन काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC24 रायगढ़।